हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरे को आपको ये मैसेज देना था। ऐसे तो आपको मैसेज मिल चुका होगा, मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया था बट वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट में चला गया, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि एक मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाऊँ। अभी हम बैंक जाके आ रहे हैं, हम गए थे दादाजी का लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने और वो हुआ नहीं क्योंकि कैप्टन साहब के प्रिंट जो हैं वो लगे नहीं, और जो आप हाथ में देख रहे हो वो दादू ने हल्की सी लगा ली है बट ज़्यादा गहरा है नहीं, तो घबराने की बात नहीं है। और आप देख सकते हो हमारे कैप्टन साहब पहले जैसे हो गए हैं, तो यही गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी मैंने। और ऑल इज़ वेल, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स, आप सब ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। तो अब मैं रेगुलर वीडियोस लेके आऊँगा। और कैप्टन साहब तो देख लो, पहले निगाहें भी नहीं मोड़ते थे, इतने बीमार थे, अब नहीं। दादू क्या हाल है? ठीक है, अब तो आवाज में भी दम आ गया। पहले तो दादा बोल रहे भूखा मार दिया मेरे को। आज हम ना 12 बजे निकल गए थे तो दादू ने नाश्ता ही करा है सुबह का, तो अभी घर जाके इनको खिलाते हैं कुछ। दादू कह रहे फाके मर गए। पहले हम शातलाई गए, शातलाई में हमारा आधा टाइम खराब हुआ। इन्होंने कहा यहाँ पे होगा नहीं, बैंक जाओ। तो बैंक वाले बोलते सर अब हमारे साथ टाइप ही नहीं रहा है, तो अब आप ऐसा करो, अब हमीरपुर जाना। तो हमीरपुर जाएंगे टाइम निकाल के, पर उससे पहले एक बार लोक मित्र ट्राई कर लेंगे, फिर से अगर इनका आधार अपडेट हो जाता है, फिंगरप्रिंट एक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 80 प्लस के बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फिंगरप्रिंट लगे। तो दादू हमारे 90 प्लस है, डॉक्यूमेंट्स में अभी 90 कितने के हुए, हाँ अभी शायद 90 के होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, और यूं 93 के हो जाएंगे फैब में। तो बस यूं ही प्यार बनाए रखो और कैप्टन साहब को और मुझे सपोर्ट करते रहो, बाकी तो आपकी ब्लेसिंग्स आई हैं और क्या चाहिए। तो बाय बाय, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए टेक केयर।